केदारनाथ धाम के अंदर यात्रियों की सुविधाओं के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्थाएं पिछले काफी लंबे समय से चलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इसी बीच आप सभी को बता दूं कि एक ऐसा हादसा हुआ कि जिसके चलते हुए अब लोग हेलीकॉप्टर में बैठने से ही डर रहे हैं। यह हेलीकॉप्टर अनियंत्रित होकर के वहाँ जहाँ पर यह हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होती है वहाँ पर अनियंत्रित हो गया था, और इसी के चलते हुए वहाँ पर यात्रियों के अंदर भगदड़ भी मच गई थी, और सब इस हादसे के कारण अभी हेलीकॉप्टर के अंदर बैठने से डरते हुए नजर आ रहे हैं। तो हाल फिलहाल इसको लेकर ये क्या मामला सामने आया है, सीधा दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। केदारनाथ धाम में यात्रियों की सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही है। इससे पैदल न चल पाने वाले या बुजुर्ग यात्रियों को बड़ी मदद मिलती है। लेकिन 31 मई को हुए एक हादसे के बाद लोग हेलीकॉप्टर में बैठने से डर रहे हैं। डरने में बात भी सामने आई कि इस हादसे का एक वीडियो भी सब सामने आया है। हेलीकॉप्टर लैंडिंग करते वक्त अनियंत्रित हो गया था और ये भयावह नज़ारा देख वहाँ लोगों में भगदड़ भी मच गई थी। इस हादसे के बाद में सिविल एविएशन ने हेलीकॉप्टर के हार्ड लोडिंग को लेकर के हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों को एडवाइजरी भी जारी की। शुक्र यह रहा कि बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। नागौर विमानन महानिदेशालय ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन के लिए सभी ऑपरेटरों को एडवाइजरी जारी की गई है। SOP के अनुसार सुरक्षा मानकों के सख्त अनुपालन करने के लिए कहा गया, और साथ ही हेलीकॉप्टर परिचालकों ने पर सुरक्षा निरीक्षक सुनिश्चित करने के लिए एक स्पॉट चेक की भी योजना तैयार की जा रही है। DGCA ने कहा कि ऐसे हादसों के लिए ऑपरेटर और जिम्मेदार संचालन कर्मियों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी। हादसा 31 मई की दोपहर करीब 1:30 बजे तक हुआ, जब हेलीकॉप्टर केदारनाथ हेलीपैड पर लैंड कर रहा था और हेलीकॉप्टर ने हेलीपैड पर लैंड करने के लिए गलत एंगल बनाया। टचडाउन के दौरान हेलीकॉप्टर हेलीपैड की सतह से जोर से टकराया और फिर उछल गया और लगभग 270 डिग्री घूम गया। एक अन्य अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर ने नियंत्रण खो दिया। इसकी वजह से आसपास के सभी तीर्थयात्री घबरा गए और हेलीपैड से भागने लगे। हेलीपैड के आसपास कुछ देर के लिए अफरा तफरी भी मच गई। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।